मुल्तान के कौमी असम्बली के हल्का एन 156 का शुमार मुल्तान के शहरी हल्कों में किया जाता है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरेशी, सेनेटर राना महमूदुल हसन, मेयर मुल्तान नवीदुल्ला कराई, डिप्टी मेयर सईद अहमद अंसारी का ताल्लुक इसी हल्के से है। नाम सभी बड़े लेकिन कारकर्दगी सिफर। पीपी 217 की यूनियन कौंसिल 25 के हालात किसी दही इलाके से कम नहीं। 5 साल में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। यहाँ पे गंदगी के इतने ढेर हैं कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। यहाँ पे कोई जनाजा आता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मसाइल ही मसाइल हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर, सड़कें खंडर बनी है, मेन होल्स के ढक्कन गायब, कब्रिस्तान में मुर्दे दफन करने के लिए जगह तक नहीं। इलाके की हालत ज़ार अवामी नुमाइंदे की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। हमने शाह महमूद को मुंतखब किया 150, पहले हल्का 150 था, अब 156 है। तो शाह महमूद 5 साल के अंदर एक चक्कर भी नहीं लगाया, ना अवामी राबता किया तो ना उन्होंने कोई फंड लगाया। इलेक्शन करीब आते ही वोट लेने के लिए अवामी नुमाइंदों ने अपने हल्के के इलाकों का रुख कर लिया है। अहले इलाका का कहना है वोट इसे ही देंगे जो मसाइल हल करेगा। कैमरामैन जुहेब अली के साथ गौहर रहमान, मुल्तान।